आने वाला समय आपका है। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे नौजवान साथियों को पुलिस ने बहुत तंग किया इन 5 सालों में। अगर अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया तो आपको पुलिस यहाँ कोई तंग नहीं करेगी। और दोस्तों, कल के लिए नौता दे रहा हूँ आपको। स्टेज पे आज पुराना विधानसभा के 80% सरपंच, 80% मौजूदा आदमी, 80% इलाका की क्रीम आज सारी यह स्टेज पे मौजूद है। मैं इन सभी का शुक्रिया तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको दिख नहीं रहे, आगे काफ़ी लोग खड़े हैं क्योंकि यह व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। मैं आपको बता दूं, सिरोली का सरपंच जो ये दुष्प्रचार कर रहे थे अभी सिंगार में, आई थिंक भाई 40 सरपंच मेरे साथ है, 100% झूठ बोल रहा मोहम्मद इलियास, 100% का 100%। 22 के बता रहा हूँ, 24 सरपंचों में से 20 सरपंच आज यहाँ मौजूद है स्टेज पर। सफेद झूठ, खुदा के वास्ते झूठ से बच जाओ भाई, पेवर गचकारो भाई, या कुछ ना है अकबल भाई। सिरोली का मौजूदा सरपंच, गुरालते का मौजूदा सरपंच, कुहुकबान का मौजूदा सरपंच, सिकरावे का सरपंच, और अपने फिरोजपुर का सरपंच, लाहाबाद का सरपंच, ओथा का सरपंच, शाहचोखा का सरपंच, काठपरी का सरपंच, 20 सरपंच यहाँ मौजूद है भैया, का झूठन में मत आओ भाई, खुदा के वास्ते। और आपकी भीड़, आपका जनून आज इस बात का गवाह है, आप पुनाने का इतिहास बदलने जा रहे हो दोस्तों। और खास तौर से नौजवान साथियों से कहना चाह रहा हूं, आपका सिर्फ 5 तारीख तक का टाइम मुझे चाहिए। हाथ उठा के कह दो, 5 तारीख तक आपके मुझे चाहिए। एक ऐसा इतिहास बुढ़ाने में पड़ेगा दोस्तों, इनको जब पता लगेगा, जब पूरी विधानसभा में खेला हो जाएगा पश्चिम बंगाल का सा। आज जो 12 गांवों ने समर्थन दिया है, इसे दोस्तों समर्थन कहते हैं। मैं 12 गांवों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उसमें मेरे बुजुर्ग, मेरे से बड़े, मेरे से सम्मानित लोग उसमें मौजूद हैं। आज जो इन्होंने मेरा मान सम्मान किया है, मैं इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज वादा करता हूं 12 गांवों से, इन्होंने जितने विश्वास से, जितने भरोसे से मेरे ऊपर ये पगड़ी रखी है, इंशाल्लाह इनकी पगड़ी को कभी नीचे नहीं होने दूंगा। आज 12 बजे से पुनाना से पैदल चलकर, नई से पैदल चलकर, नौगांव नेहता से पैदल चलकर, और बिछोर इंदाना से पैदल चलकर, जो जोश खरोश यहाँ की जनता में मैंने देखा, वो अल्फाज नहीं मैं जो आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, ये वक्त है, ये समय की नजाकत है। हमारा मौजूदा विधायक भाई, हमारा मौजूदा विधायक आपने 5 साल कहीं दोस्तों देखा? कहीं नहीं देखा। कोई विकास का काम उसने किया? कहीं नहीं किया। और जब हम विकास की बात करते हैं दोस्तों, वो सटे से गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। आपको उन गालियों का जवाब देना है दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूं स्टेज के माध्यम से, जिस तरीके से आप में जनून है, जो जोश आपके अंदर है, जिस विश्वास से आप मेरे साथ लगे हो, इंशाल्लाह चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े, आपसे कभी पीछे नहीं हटूंगा। आपने मुझमें बहुत कुछ देखा। अभी कुछ शादी मुझे बिछोर में मिले, कोई छुट्टी लेके आ रहा है, कोई भोज से छुट्टी ला रहा है, कोई हिमाचल से छुट्टी ला रहा है। वो अल्फाज नहीं जो मैं ऐसे साथियों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, सच्चाई की बात तो यह है, कम से कम आप लोग 20-25 हजार से जीत के इंशाल्लाह विधानसभा में पहुंचोगे। आप किसी की बातों में मत आना। आज सिंगार की जो मौजूदा चौधर है, जिसको चौधर कहते हैं, नकली चौधर नहीं दोस्तों, असली असली चौधर आज यहाँ सिंगार की भी स्टेज पे मौजूद है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और दोस्तों, ये मेरी जीत नहीं है, ये पुनाने विधानसभा की जनता की जीत है।
जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ था बारह बारह कैंडिडेट एक साइड हो गए थे, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, ना मुझे हिम्मत हारने दी। आज वो समय आ गया जो पूरी विधानसभा में पब्लिक एक तरफ है, ठोड़ा एक तरफ है, और आप लोगों के जुनून, आप अपने गांव से गाड़ी से चलकर, पैदल चलकर, अपने पैसे से जो भी कुर्बानी दोस्तों दे रहे हो, इंशाल्लाह इस कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। आपसे भरोसा और विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और किसी की बातों में मत आना, झूठ के अलावा कोई सहारा नहीं रहा इनके पास। आप सभी लोगों को जानते हो और आपसे काफी लोग मिले होंगे यहां। आज पुराना विधानसभा की सारी क्रीम दोस्तों स्टेज पे मौजूद है, और आपसे एक आप आगे से बैठ जाए भाई, दोस्तों मेहरबानी करके आप सुबह से भाई जा रहे हो, पांच मिनट, सिर्फ पांच मिनट आप बैठ जाए दोस्तों। आप सुबह से गर्मी में, 5 तारीख को चुनाव होना है, 5 तारीख को इलेक्शन होना है, आप लोगों से एक ही अपील है, आप सबको पता निशान बल्ले का है, आने वाली 5 तारीख को बल्ले का बटन दबा देना, इंशाल्लाह आपकी बहुत लंबी चौड़ी जीत होगी। और दोस्तों जावेद जो सिंगार पंप वाला बहुत मशहूर, अल्ताफ हनीफ सरपंच, सलीम जमालू नंबरदार, साहून अरशद, अल्ताफ आरिफ, मतलब जो वाकई में जो क्रीम है, इंशाल्लाह वो आपके साथ है। और ऐसा माहौल इस विधानसभा में, हमने भी बहुत चुनाव लड़े, हमने भी कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। आज जो प्यार और मोहब्बत आप लोगों ने, ये जावेद भाई आ, ये भी आपका समर्थन इन्होंने किया है, हम इसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। वो क्या विकेट लेने की बात कर रहा है, यहाँ तो छक्के ही छक्के लग रहे भाई, छक्के ही छक्के। और दोस्तों इस जुनून को इसी तरीके से बना के रखना, आप लोगों को इसी तरीके से बरकरार रखना है। हमारे सहा चोखा के सरपंच तौफीक भाई, वो भी यहाँ मौजूद है, अलवी समाज, आपके साथ 90% मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ, अलवी समाज पूरी विधानसभा का आपके साथ खड़ा है। और दोस्तों जो जुनून हमने नहीं देखा, हमने 5-6 इलेक्शन मेले लड़े हैं, इस जुनून का कर्जा तो बढ़ के भी नहीं उतार सकता, लेकिन दोस्तों कोशिश जरूर करूंगा आपका थोड़ा बहुत कर्ज मेरे से उतर जाए। देखो काम सभी के नहीं होते, हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, मैं अपनी पूरी विधानसभा को गुड़गावा की तरह पे सोचता हूँ, गुड़गावा की तरह हमारी विधानसभा बने। लेकिन एक बात आपसे कर रहा हूँ, यहाँ 33 के भी हमने पहले भी मंजूर करा था, यहाँ के मौजूदा सरपंच रेजुलेशन ना देने के कारण वो रद्द हो गया। आपसे वादा कर रहा हूँ इन 12 गांवों के लिए 33 के भी मंजूर करवाऊंगा, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया। एक वादा दोस्तों और आपसे करता हूँ, आप किसी ठोडे को मत लाना, किसी सरपंच को मत लाना, सीधे मेरे घर चले आना, 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे आप सभी लोगों के लिए खुले रहेंगे। ये लड़ाई मेरी नहीं है दोस्तों, ये लड़ाई नौजवान साथियों की है, जो पढ़ लिख के भी बेरोजगार है आज, ये लड़ाई हमारे युवा साथियों की है, कोई एमटेक कोई बीटेक करके भी नशे की लत में पड़े हुए हैं। मैं स्टेज के माध्यम से वादा करता हूं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे बनाया तो यहां बेरोजगारी का नाम मिटा देंगे इंशाल्लाह इस विधानसभा में। हमारी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए बड़ी दिक्कत है बिछोर गांव में, मुझसे भी एक ही कॉलेज पुढ़ाना में लड़कियों का बना, काम तो मैंने बहुत कराए, लेकिन मैं वादा करता हूं अगर मैं विधायक बना इंशाल्लाह बिछोर गांव में एक लड़कियों का कॉलेज हम जरूर बनवाएंगे। दोस्तों हमारी बहन बेटियां जब बाहर पढ़ने जाती है, मुझे पता है मेरे भी लड़कियां वो भी पढ़ती है, इतने बेटी घर नहीं आती, हमें चिंता रहती है। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिस तरीके से माहौल आज दिख रहा है, मुझे विश्वास पूरा भरोसा आपने दे दिया है, इंशाल्लाह आने वाला समय आपका है, आप घर घर जाकर किसी घमंड में दोस्तों आप ना रहें,
किसी बहम में ना रहे, एक एक आदमी से आपको सपोर्ट करनी है। इंशाल्लाह जीत आपकी निश्चित है और आने वाला समय आपका है। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे नौजवान साथियों को पुलिस ने बहुत तंग किया इन 5 सालों में। अगर अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया तो आपको पुलिस यहाँ कोई तंग नहीं करेगी। और दोस्तों कल के लिए नौता दे रहा हूँ आपको, लुहिंगा कला में 12 गांवों का प्रोग्राम है। हमारे चौधरी सुलेखा की अध्यक्षता में अय्यूब और हसन कर रहे, आपसे अपील है कल 12 बजे इंशाल्लाह लुहिया कला में मिलेंगे आपसे। यही मेरी अपील है, आपने मेरी बात सुनी, आप 12 बजे से पैदल चल रहे हैं, कोई 10 बजे से पैदल चल रहे हैं। मैं दोस्तों इतना बड़ा भी नहीं जितना आपने मुझे बना दिया, लेकिन आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपके मान सम्मान। और दोस्तों कल के लिए नौता दे रहा हूं आपको, लुहिंगा कला में 12 गांवों का प्रोग्राम है। हमारे चौधरी सुलेखा की अध्यक्षता में अय्यूब और हसन कर रहे, आपसे अपील है कल 12 बजे इंशाल्लाह लुहिंगा कला में मिलेंगे आपसे। यही मेरी अपील है, आपने मेरी बात सुनी, आप 12 बजे से पैदल चल रहे हैं, कोई 10 बजे से पैदल चल रहे हैं। मैं दोस्तों इतना बड़ा भी नहीं जितना आपने मुझे बना दिया, लेकिन आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत, आपके मान सम्मान और आपकी इज्जत। और खास तौर से मैं नौगैया साथियों से कहना चाहता हूँ, वहाँ 5 गांव है नौगैयाओं के, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 80% नौगैया भाई आपको वोट दे रहे हैं। यहाँ सरपंच, एक सरपंच सारे मौजूद हैं, इन्होंने बहुत कुर्बानी पहले भी मुझे दी, मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 22 की जितनी हस्तियाँ स्टेज पे हैं, इनको इनके भाई झूठों में मत आना, इंशाल्लाह आपकी जीत निश्चित है। और आज मेरा प्रोग्राम 10 बजे नवलगढ़ में आप सभी साथियों को नौता है। अरे हमारा हिसाब 10 बजे भाई, भाई 10 बजे को प्रोग्राम है पहले ही थे ही। और काफ़ी आज रात को काफ़ी साथी वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, आप सबको वहाँ का नौता है। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हाथ जोड़ के आप सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।